जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे टॉप 3 डिफेंस अपडेट के बारे में, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरे अंत तक देखें। तीसरी डिफेंस अपडेट निकल के आ रही है कोचीन शिपयार्ड की तरफ से। कोचीन शिपयार्ड के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि वो जल्द ही 5,500 करोड़ की डील नेवी के लिए फाइनल कर सकते हैं नेवी के साथ, और इस डील में नेवी के लिए एंटी वॉरफेयर कॉर्बेट बनाने होंगे नेवी के लिए, और ये 8 से 9 के बीच में कॉर्बेट होंगे जो स्पेशली डिजाइन किए जाएंगे एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए। तो ये काफी अच्छी खबर है कोचीन शिपयार्ड के लिए, क्योंकि उनको लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं। जानते हैं दूसरी डिफेंस अपडेट निकल के आ रही है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच से। इंडिया अफगानिस्तान को 6 MI-25 गनशिप हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराएगा, ताकि जो अफगानिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स है वो आतंकवादियों का मुकाबला कर सके। और ये जो 6 में से 2 जो हेलीकॉप्टर है वो मार्च 2019 में दे दिए जाएंगे अफगानिस्तान की आर्मी को। उसके बाद 4 जो बचे हुए हेलीकॉप्टर 2019 में ही दे दिए जाएंगे मार्च के बाद। तो ये काफी अच्छी खबर है कि अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए डिफेंस से रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं। तो आप सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को प्लीज सपोर्ट करें सब्सक्राइब और लाइक करके। जानते हैं पहली डिफेंस अपडेट निकल के आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इंडियन एयरफोर्स के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि भारत चाइना बॉर्डर पे और पाकिस्तान बॉर्डर पे नए हैंगर्स और शेल्टर बनाए जाएंगे, ताकि उनमें लड़ाकू विमान सुरक्षित रह सकें। और नए जमाने के शेल्टर और हैंगर बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब दुश्मन हमला करता है तो वो सबसे पहले लड़ाकू विमान जो खड़े होते हैं उनको ही नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि लड़ाकू विमान लाखों और कई मिलियन डॉलर में इनकी कॉस्ट होती है। तो इनको दुश्मन के हमले से बचाना बहुत ही जरूरी है, इसी वजह से ये बेहतरीन हैंगर और शेल्टर बनाए जाएंगे, ताकि दुश्मन देश के हमले का इन एयरक्राफ्ट पर कोई भी नुकसान ना हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।